हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली दो प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ब्लड का बच्चों ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में जो सेल्स होते हैं ब्लड में वो हमारे आरबीसी ही होते हैं। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करें तो दो प्रकार के डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आपका स्वागत करता हूं मैं माइंड मैप सीरीज के थर्ड लेक्चर में। बच्चों आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, पर हमने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में मैं ब्लड के बारे में आपको बताऊंगा और दूसरे पार्ट में मैं आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और साथ में कार्डियक साइकिल, ठीक है, उसके साथ में ECG, कार्डियक डिसऑर्डर्स, डबल सर्कुलेशन, वो सब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर है। एक ही माइंड मैप के 60 मिनट्स में सब कुछ करना संभव नहीं था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज की क्लास में, और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट वन आ रहा है जिसमें आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली दो प्रकार के फ्लूइड्स होते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। ठीक है, तो आज की चर्चा बच्चों ब्लड के ऊपर रहेगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो कितनी चीजों का बनता है। ठीक है, जो आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है वो तीन चीजों का बनता है। इसमें सबसे पहले तो ब्लड ही आता है, सबसे पहले तो ब्लड आता है, इसके साथ ब्लड वेसल्स आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लड को पंप करने वाला, ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन आ जाता है जिसको अपन हार्ट कहते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ब्लड वैस्कुलर सिस्टम बनता है। बच्चों ब्लड का सर्कुलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। याद रखिए, ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड जो है हॉर्मोन्स को कैरी करता है। तो इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन जो है बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसी ब्लड की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं ब्लड। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहली बात यह है कि ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और हर कनेक्टिव टिश्यू की तरह इसमें सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें सेल्स होते हैं, राइट। हर कनेक्टिव टिश्यू की तरह ब्लड में भी सेल्स होते हैं, और सेल्स के बीच में जो जो मटेरियल भरा होता है उसको अपन क्या कहते हैं बताओ। सेल्स के बीच में जो मटेरियल भरा होता है उसको बच्चों हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जो सेल के बीच में, सेल्स के बीच में भरा हुआ होता है, जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, देखिए ब्लू कलर के डॉट से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ब्लड का बच्चों ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है इसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, पर ब्लड की एक खासियत है बच्चों, ठीक है, बाकी सभी कनेक्टिव टिश्यू की तरह ब्लड में प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, यानी ब्लड का जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है अर्थात जो प्लाज्मा होता है इसमें कोई भी प्रोटीन फाइबर्स नहीं पाए जाते, ना कोलेजन फाइबर्स ना इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो ब्लड का है इसकी खासियत यह है कि देयर आर नो प्रोटीन फाइबर्स। ठीक है, देयर आर नो प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स होते ही नहीं है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर या प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन फाइबर्स अपन को पता है जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, दो प्रकार के अपन ने पढ़े हैं प्रोटीन फाइबर्स, और ये दोनों ही ब्लड में मिसिंग होते हैं, होते ही नहीं है, याद रखिए। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिनमें ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं जो हमने बनाए हैं, और सेल्स के बीच में भरा हुआ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए तो आइए आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, अब तो आप जानते ही हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में
प्लाज्मा आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। और दूसरा कंपोनेंट जो ब्लड का है उसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, याद रखिए उसे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, ठीक है। प्लाज्मा होता है बच्चों ब्लड में 55%, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%, इस बात का याद रखिएगा। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आप सोच रहे होंगे इसमें क्या क्या आता है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बच्चों एक तो ब्लड सेल्स आ जाते हैं, याद रखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एक तो ब्लड सेल्स आ जाते हैं। कौन से ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, एक होता है आरबीसी, ठीक है, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, याद रखिए, ठीक है। ये दो प्रकार के ब्लड सेल्स जो हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं सेल फ्रेगमेंट्स, ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये सेल नहीं होते, ये सेल के टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं। सेल फ्रेगमेंट्स में हम कंसीडर करेंगे प्लेटलेट्स को, हम कंसीडर करेंगे प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हो गया। सबसे पहले प्लाज्मा कितने परसेंट, 55%, और दूसरे नंबर पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने परसेंट, 45%, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं उसमें आते हैं ब्लड सेल्स, जिसमें हम लोग आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को पढ़ेंगे, और सेल फ्रेगमेंट्स जिसमें हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। पर जैसे कि मैंने सबसे ऊपर प्लाज्मा लिख रखा है, तो आइए प्लाज्मा के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, ठीक है। ये एक रिवीजन क्लास है, तो आई होप आपने ब्लड पहले अच्छे से कर रखा होगा। दिस इज जस्ट फॉर रिवीजन, ये क्लास रिवीजन के लिए बनी है। आइए, तो प्लाज्मा हम जानते हैं, प्लाज्मा ब्लड का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और 55% होता है ब्लड में, वहां पर अपन ने लिख ही दिया है। प्लाज्मा में वाटर होता है बच्चों 92%, ठीक है। तो वाटर प्रेजेंट होता है 90-92% तक, ठीक है, और 6-8% प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में वाटर कितना होता है 90-92%, और प्रोटीन्स होते हैं 6-8%, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, फिब्रिनोजेंस, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। अब ये करते क्या क्या हैं? फिब्रिनोजेंस जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो फिब्रिनोजेंस जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं ये ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आते हैं, याद रखिए, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस। और ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं ये डिफेंस में काम आते हैं, याद रखिए, ठीक है। तो ये तीन प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, फिब्रिनोजेंस ब्लड क्लॉटिंग में काम आने वाले, एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में काम आने वाले, और ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं डिफेंस में काम आते हैं, याद रखिए। ग्लोब्यूलिन्स के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, ग्लोब्यूलिन्स के अंतर्गत गामा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं उन्हें ही हम एंटीबॉडीज कहते हैं, याद रखिए। और ये एंटीबॉडीज जो होती हैं ये बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती है। अगर बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी में आ जाएगा तो एंटीबॉडीज जो होती हैं जिन्हें गामा ग्लोबुलिन्स कहा जाता है, ये बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करके हमें बचाती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गए प्लाज्मा प्रोटीन्स। वाटर कितने परसेंट, 90-92%। प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने हो गए, 6-8%। और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम हो गए, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस, Cl-, इसमें आप Na+ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ये सारे मिनरल्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं, राइट, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है, एंड लिपिड्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये है ब्लड प्लाज्मा। अब अपन डिस्कस करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, जो कि 45% हैं हमारे ब्लड में। आइए फॉर्म्ड एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मैंने जैसा कि आपको बताया, ठीक है, कि इसमें हम ब्लड सेल्स और सेल फ्रेगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दो ब्लड सेल्स हम पढ़ने वाले हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी। ये दोनों तो ब्लड सेल्स हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, राइट, ठीक है।
और ये क्या हो गया, ये हो गया सेल फ्रेगमेंट, ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स लिख देते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो आइए बच्चों अब अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करें। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम ब्लड सेल्स और ब्लड में पाए जाने वाले जो सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आइए फॉर्म्ड एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आरबीसी के बारे में बताता हूं। इनको रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आइए सबसे पहले आरबीसी के बारे में बात करते हैं। इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है 5 से लेकर 5.5 मिलियन, ठीक है, 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब, ठीक है, ऑफ ब्लड, ओके, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड ऐसे पाए जाते हैं, इनका नंबर इतना होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो सेल्स होते हैं ब्लड में वो हमारे आरबीसी ही होते हैं, याद रखिए, ठीक है, ओके। कलर, कलर जो होता है आरबीसी का रेड होता है। अब आप सोचेंगे कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक एक पिगमेंट या प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, रेड ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ओके। आगे चलते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, याद रखिए। इसको हम यहां ले आते हैं ताकि ये आपको दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। ऐसे आरबीसी को ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी कहते हैं, ठीक है, ऐसे आरबीसी को ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी कहते हैं। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितनी होती है, ह्यूमन आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 डेज की होती है, ठीक है। फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो बच्चों ये अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से पहले जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की माइंड मैप सीरीज आई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, देखो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस तो एब्सेंट है, आप देख लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स भी आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं ये पॉइंट को, ठीक है, कि न्यूक्लियस तो एब्सेंट है ही, ठीक है, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये ए बी का मतलब एब्सेंट, इस बात का याद रखना, ए बी का मतलब एब्सेंट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल्स भी एब्सेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में नहीं होता, ताकि हम आरबीसी के अंदर की सारी मैक्सिमम जगह हीमोग्लोबिन को दे सकें, ठीक है। ये क्यों होता है, याद रखिए ये क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, नीचे लिख देते हैं, टू गिव, ठीक है, टू गिव मैक्सिमम स्पेस, टू गिव मैक्सिमम स्पेस टू हीमोग्लोबिन, ठीक है, टू हीमोग्लोबिन, पूरा लिख लेते हैं, टू हीमोग्लोबिन, ओके, समझ में आई बात, राइट, ताकि आरबीसी के अंदर जितनी भी जगह है उसमें हम अपन हीमोग्लोबिन रख सके। हीमोग्लोबिन ही वो पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन है जो गैसेस के साथ बाइंड करता है, याद रखिए। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और बनता है HbO2, HbO2 को अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है और बनता है HbCO2, जिसे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात, कितना हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के अंदर, ये तो अपन ने बताया ही नहीं आपको, ठीक है। तो 100 ml ब्लड में, ठीक है, 100 ml ब्लड में, ठीक है, आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, यानी आरबीसी के अंदर जो है
अगर अपन 100 ml ब्लड लें तो सभी आरबीसी के अंदर टोटल हीमोग्लोबिन की मात्रा है 12 से 16 ग्राम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ज्ञान है बच्चों किसका, आरबीसी का या एरिथ्रोसाइट्स का। एक और बात जो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, आरबीसी का शेप क्या होता है, चलो यही बता देता हूं। आरबीसी का शेप क्या होता है बताइए, आरबीसी का शेप होता है बायकॉनकेव, ठीक है। ये बायकॉनकेव शेप की होती है, इस बात को भी ध्यान रखिए, बायकॉनकेव शेप की होती है, ठीक है, ये याद रख सकते हैं ना। और आरबीसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम और प्रेजेंट होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं यहां पर आपके लिए कि आरबीसी कंटेन कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का फंक्शन अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कर चुके हैं, ठीक है। चलो, तो ये आरबीसी की सारी जानकारी हो गई। अब अपन डब्ल्यूबीसी की जानकारी में आते हैं। डब्ल्यूबीसी को बच्चों व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या ल्यूकोसाइट कहा जाता है, आप इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हो। आइए इनके नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, नंबर कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है 6000 से लेकर 8000, ठीक है, पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है, 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है, समझ में आया, इतना डब्ल्यूबीसी का नंबर होता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, एक्चुअली कोई कलर होता ही नहीं है, कलरलेस होते हैं ये, कलरलेस, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ी होता है कि कलर होगा, तो डब्ल्यूबीसी आर कलरलेस, ठीक है। न्यूक्लियस, Obviously, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, लाइफ स्पैन, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये शॉर्ट लिविड होते हैं, याद रखिए शॉर्ट लिविड होते हैं, ठीक है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक इनकी लाइफ स्पैन होती है, इसलिए शॉर्ट लिविड लिख लो। उसके बाद फंक्शंस, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है डिफेंस। जब अपन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी अभी करेंगे तो सभी के फंक्शंस भी आपको समझ आ जाएंगे, क्लियर। तो सबसे पहले अपन बच्चों टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं, ताकि डब्ल्यूबीसी वाला टॉपिक भी अच्छे से आपके माइंड में आ जाए। चलो, तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी देखते हैं अगले पेज पर। तो बच्चों टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की अगर अपन बात करें तो दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में ऑब्वियसली, ठीक है, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट, ठीक है, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है, राइट। अब ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, बेसोफिल, इजनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ओके, ये ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ओके, इनके बारे में पहले चर्चा करते हैं। पहले तो परसेंटेज ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी देखते हैं कि बेसोफिल कितने होते हैं, इजनोफिल कितने होते हैं, न्यूट्रोफिल कितने होते हैं। तो टोटल डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो बेसोफिल बहुत कम होते हैं, 0.5 to 1%, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 6000 से 8000 पर एमएम क्यूब डब्ल्यू पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में डब्ल्यूबीसी थे 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी थे पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी थे पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में, ठीक है। तो उस 6000 से 8000 का जो नंबर है उसमें से परसेंटेज अपन लिख रहे हैं, तो बेसोफिल की संख्या केवल 0.5 to 1% ही होती है, ठीक है। इजनोफिल की संख्या 2 to 3% होती है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या 60 to 65% होती है, याद रखिए। तो सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं बच्चों, तो इनका नंबर भी मैं लिख देता हूं। मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 8% और लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 to 25%, ठीक है। आइए अब न्यूक्लियस की बात कर ली जाए, ठीक है। तो बेसोफिल्स के अंदर 2 to 3 lobed न्यूक्लियस होता है, याद रखिए 2 to 3 lobed न्यूक्लियस होता है, ओके। वहीं पर ही इजनोफिल के अंदर 2 lobed न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है,
टू लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है. ओके, न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो है 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है. याद रखिए, न्यूक्लियस होता है, आप इसे मल्टी लोब्ड भी लिख सकते हो, राइट. तो ये तो इनकी न्यूक्लियस की बात हो गई. पहले ग्रेनुलोसाइट्स सारे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ए ग्रेनुलोसाइट्स पर चलेंगे. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. न्यूक्लियस की मैंने आपको बात बता दी. अब फंक्शंस की बात करते हैं. जो बेसोफिल्स होते हैं, याद रखिए, जो बेसोफिल्स होते हैं ये 3 केमिकल सिक्रीट करते हैं. ठीक है, वो केमिकल कौन से होते हैं? एक होता है हिस्टामिन, ठीक है, एक होता है हेपेरिन, याद रखिए, ठीक है, और एक होता है सेरोटोनिन. आप लोग नोट कर सकते हैं कि हिस्टामिन वेजोडायलेटर है, हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, और सेरोटोनिन वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है. तो ये तीनों केमिकल्स जो हैं बेसोफिल सिक्रीट करते हैं. बेसोफिल का यही फंक्शन है, ठीक है, इन तीनों केमिकल्स को सिक्रीट करना. और इसीलिए बेसोफिल्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखिए, ठीक है ना. तो ये बेसोफिल का फंक्शन हो गया, सिक्रीशन ऑफ दीज 3 केमिकल्स, दैट इज हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन. एंड बाय सिक्रीशन ऑफ दीज 3 केमिकल्स दे पार्टिसिपेट इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. ओके, चलिए, तो ये तो बेसोफिल का फंक्शन हो गया. अब इजनोफिल का फंक्शन अपन देखते हैं. इजनोफिल्स जो होते हैं बच्चों, ठीक है, दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस, पहली बात तो दे रेजिस्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, नंबर सेकंड, ठीक है, दे हेल्प इन किलिंग पैरासाइट्स. ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई पैरासाइट आ जाए, जैसे कि राउंड वर्म आ जाए, एस्केरिस आ जाए, ठीक है, ऑब्वियसली एस्केरिस इज अ राउंड वर्म. ओके, या टीनिया आ जाए, विच इज अ फ्लैट वर्म. ये पैरासाइट अगर आपकी बॉडी में आ जाएंगे तो इजनोफिल्स जो हैं पैरासाइट को मारने में हेल्प करेंगे. ठीक है, तो पहले इजनोफिल का फंक्शन है रेजिस्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस को रोकने का काम करते हैं. दूसरा, दे किल पैरासाइट्स. ठीक है, तीसरा, दे आर एंटी एलर्जिक. ठीक है, दे आर एंटी एलर्जिक. तो जब भी एलर्जी की बात आएगी आप इजनोफिल्स मार्क करके आएंगे. ठीक है, ओके, तो ये 3 फंक्शंस हो गए किसके? इजनोफिल्स के. अब आते हैं न्यूट्रोफिल्स की फंक्शनिंग पर. न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस करते हैं. ठीक है, फैगोसाइटोसिस किसका करते हैं? बैक्टीरिया का करते हैं, डेड सेल्स का करते हैं. तो फैगोसाइटोसिस करते हैं, जनरली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं फैगोसाइटोसिस से. तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये अपने आपके ग्रेनुलोसाइट्स हो गए. ठीक है, अब अपन बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की. ए ग्रेनुलोसाइट्स में आ रहे हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. सबसे पहले इनके न्यूक्लियस की बात करते हैं. तो मोनोसाइट्स की अगर अपन बात करें तो मोनोसाइट्स जो होते हैं इनके अंदर जो होता है किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है. ये देखिए, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ये देखिए. तो मोनोसाइट्स के अंदर कैसा होता है? किडनी शेप्ड. ठीक है, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, या बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, कोई चिंता ही नहीं है. एक बात आपको और बता दूं कि मोनोसाइट्स जो हैं लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कहलाते हैं. सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट्स ही होते हैं. कहीं लिख देते हैं मोनोसाइट्स के बारे में कि ये हैं आपके लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी. ठीक है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा है? मोनोसाइट है. ठीक है, मोनोसाइट का क्या फंक्शन होता है? मोनोसाइट बेटा फैगोसाइटोसिस ही करता है. ठीक है, इसका जनरल फंक्शन यही होता है, फैगोसाइटोसिस. किसका फैगोसाइटोसिस करता है? फैगोसाइटोसिस करके ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, तो मोनोसाइट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए. लिम्फोसाइट्स की बात करें, ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स की बात करें, न्यूक्लियस की लिम्फोसाइट्स पर अपन आ गए. तो इसका इनमें स्मॉल एंड राउंड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स की अगर अपन बात करें तो इनमें न्यूक्लियस कैसा होता है? स्मॉल एंड राउंड. तो अपन ने सबके न्यूक्लियस डिस्कस किए हैं. ओके, तो स्मॉल एंड राउंड न्यूक्लियस लिम्फोसाइट्स में होता है. नंबर अपन ने ऊपर लिखा हुआ है. लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है? ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन
पार्टिसिपेट इन इम्यून रिएक्शंस, ठीक है, इम्यून रिएक्शंस एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, समझ में आया, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं और इम्यून रिएक्शन इन्हीं की वजह से होते हैं, किन की वजह से, लिम्फोसाइट्स की वजह से। दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं बच्चों, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आइए और दो तीन बातें कर लेते हैं। आरबीसी का शेप तो मैं आपको बता ही चुका था, बायकॉनकेव शेप होता है, ठीक है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बायकॉनकेव शेप होता है, ये शायद पॉइंट यहां लिखा रह गया, चलो मैं वापस रिपीट कर दिया, कोई चिंता ही नहीं है। तो आरबीसी आर बायकॉनकेव इन शेप। अपन ने डब्ल्यूबीसी सारे खत्म कर लिए हैं, मैं आपको ये क्लैरिटी दे दूं, सारे डब्ल्यूबीसी मैंने पढ़ा दिए हैं। अब अगला पॉइंट था कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, बायकॉनकेव शेप होता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि 120 डेज के बाद, 120 डेज होने पर आरबीसी स्प्लीन में चली जाती है, जहां पर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज की ही होती है। तो बच्चों ये जो हैं, अपन ने पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं उसमें जो सेल्स वाले पार्ट था वो अपन ने कर लिया है, अपन ने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो ब्लड सेल्स थे वो निपटा लिए हैं। अब आते हैं अपन प्लेटलेट्स के ऊपर, ठीक है। प्लेटलेट्स सेल नहीं होते बच्चों, ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इनका नंबर, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। इनका नंबर होता है 150,000 से लेकर 350,000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये नंबर इनका याद कर लेना, ये मैं लिख के ले आया था, ठीक है। और प्लेटलेट्स बनते कैसे हैं, ठीक है बेटा, क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सेल होता है, याद रखिए, जिसको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, जिसको मेगा कैरियोसाइट कहा जाता है। एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट कहा जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मेगा कैरियोसाइट कहा जाता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। तो होता क्या है बच्चों, मेगा कैरियोसाइट से ही जो है ऐसे टूट टूट के ये सेल फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, ऐसे टूट टूट के सेल फ्रेगमेंट्स निकलते हैं, ये देखिए इस तरह से निकलते हैं ये सेल फ्रेगमेंट छोटे छोटे, जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो मेगा कैरियोसाइट से बेटा ये सेल जो है, सेल के फ्रेगमेंट्स जो है टूट टूट के निकलते हैं, इस मेगा कैरियोसाइट नामक बड़े सेल से टुकड़े टुकड़े निकलते हैं, जिनको सेल फ्रेगमेंट्स को प्लेटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स का सोर्स क्या है, मेगा कैरियोसाइट है। मेगा कैरियोसाइट एक बड़ा सेल है जिससे छोटे 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 सेल फ्रेगमेंट निकल कर गिरते रहते हैं और उन सेल फ्रेगमेंट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं, ओके। अच्छा, इनका कलर, कलर तो कोई ऐसा है नहीं, तो इनके आगे लिखेंगे कलरलेस, ठीक है, कलरलेस, ओके। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है ना, ओके। लाइफ स्पेन, प्लेटलेट्स में आप शॉर्ट लिविड ही लिखेंगे, ठीक है, लंबी लाइफ स्पेन नहीं होती इनकी, तो शॉर्ट लिविड लिख दिया, ठीक है। फंक्शन क्या होता है प्लेटलेट का, फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, फंक्शन होता है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये प्लेटलेट का फंक्शन होता है, ठीक है। अब एक और बात बता दूं, अडल्ट कंडीशन में ये सेल्स या प्लेटलेट्स बनती कहां है, तो मैं आपको बता दूं अडल्ट कंडीशन में बच्चों, ठीक है, भले आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, ठीक है, ये सभी जो है अडल्ट अवस्था में, अडल्ट कंडीशन में कहां बनती है, ये रेड बोन मैरो में बनती है, ठीक है, ये रेड बोन मैरो में बनती है। ये तीनों चीजें कहां बनती है, हमारे रेड बोन मैरो में बनती है। रेड बोन मैरो जो है लॉन्ग बोन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो भले आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, इनका फॉर्मेशन कहां होता है, रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये अडल्ट कंडीशन की बात हो रही है, जन्म के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जन्म के बाद। तो बच्चों यहां पर अपन ने जो है सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स कर लिए, अब बच्चों आइए ब्लड ग्रुपिंग चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बच्चों चलिए ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये मैंने क्या क्या बनाया है, मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये हमने जो बनाए हैं ये आपके आरबीसी बनाए हैं, ठीक है,
ये आपके आरबीसी बनाए हैं, ठीक है, लाल लाल कलर के एकदम चमकदार। तो बच्चों बेसिकली दो प्रकार के ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो हमारी किताब में दे रखे हैं। एक है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था लैंडस्टीनर, ठीक है, जिनका नाम था लैंडस्टीनर। तो ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पहले पढ़ेंगे, फिर आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है बच्चों, ये सबसे पहले इसकी बुनियाद है कि आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगर आरबीसी की सरफेस पर, याद रखिए, अगर आरबीसी की सरफेस पर, ठीक है, एंटीजन ए होगा, ठीक है, एंटीजन ए होगा, तो आप इसे ना ग्लाइकोप्रोटीन ए भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आरबीसी की सरफेस पर अगर एंटीजन ए होगा, ठीक है, तो व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए रहेगा, याद रखिए, ठीक है ना। वहीं पर ही अगर आरबीसी की सरफेस पर, अगर आरबीसी की सरफेस पर आपका एंटीजन बी प्रेजेंट है, याद रखिए, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, आप इसे ग्लाइकोप्रोटीन बी भी बोल सकते हो, तो ऐसे में जो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा व्यक्ति का बी। ओके, अगर आरबीसी की सरफेस पर दोनों ही एंटीजन पाए जाएं, यानी ब्लू कलर का बी एंटीजन और ग्रीन कलर का ए एंटीजन, ठीक है, देखिएगा, अगर दोनों ही एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर हैं, ग्रीन कलर से ए बनाया है, ब्लू कलर से बी बनाया है, आप देख लीजिए, एंटीजन बी इज ब्लू कलर, एंटीजन ए इज ग्रीन कलर, यहां लिख नहीं रहा हूं वापस, ठीक है। तो अगर आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन पाए जाएं, ए बी और बी भी, तो ये ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, ठीक है, इस ब्लड ग्रुप को कहेंगे ए बी। ओके, और अगर आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन ना हो, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, तो ऐसे केस में इसे ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब केवल यहीं पर ही ए बी ओ ब्लड ग्रुप खत्म नहीं हो जाता है, प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज हैं ये भी देखनी होती है। तो आइए अब अपन बताते हैं आपको, अगर एंटीजन ए है आरबीसी की सरफेस पर, तो याद रखिए उस व्यक्ति के प्लाज्मा में, ठीक है, हमेशा एंटी बी एंटीबॉडी होगी, हमेशा एंटी बी एंटीबॉडी होगी, ओके, ताकि रिएक्शन ही ना हो पाए। एंटी बी एंटीबॉडी कभी ए एंटीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी। बीच में लाइन खींच देता हूं ताकि थोड़ा सा सेपरेट आउट रहे, अच्छी सी सीधी लाइन खींच दो, हो गया जी, अच्छी सी सीधी लाइन खींच दो, बहुत बढ़िया जी, ठीक है। आइए इसके ऊपर, अगर ब्लड ग्रुप बी है और आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो हमेशा प्लाज्मा के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी पाई जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये अपन ने प्लाज्मा की एंटीबॉडी लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन पाए जाएं, ए और बी दोनों, तो इसमें निल एंटीबॉडी होगी। निल का मतलब, निल कोई एंटीबॉडी का नाम नहीं है, निल का मतलब होता है नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होगी ही नहीं, ओके। और अगर लास्ट केस देख लेते हैं, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन ना हो ओ ब्लड ग्रुप के केस में, तो दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में, एंटी ए भी प्रेजेंट होगी और एंटी बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी, बोथ प्रेजेंट, बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है, बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक है, ढंग से लिख देता हूं, बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट, ठीक है। तो बच्चों ये तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप का सार हो गया, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन कैसे होता है, उसका प्रिंसिपल कैसे होता है ए बी ओ के रेस्पेक्ट में, आइए मैं अगले पेज पर आपको बताता हूं, ठीक है। अगले पेज पर बेटा मैं ये टेबल लेकर आया हूं, याद रखना बच्चों, जब भी आप ब्लड डोनेशन की बात करते हो, ठीक है, कि भाई आपको ब्लड डोनेशन करना है, तो ब्लड डोनेशन में एक होता है डोनर, ठीक है, जो देता है, याद रखिए, और एक होता है रेसिपिएंट,
ठीक है, एक होता है रेसिपिएंट जो ब्लड लेता है, ठीक है, डोनर महान होता है क्योंकि वो ब्लड देता है, रेसिपिएंट जनरली पेशेंट होता है जो ब्लड लेता है, याद रखिए, ठीक है ना। तो रूल क्या है, जब भी आप ब्लड डोनेशन के क्वेश्चन करेंगे तो डोनर का आप एंटीजन चेक करो, याद रखो, ठीक है ना, डोनर का आप एंटीजन चेक करो और रेसिपिएंट की आप एंटीबॉडी चेक करो, ठीक है, तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे क्या डोनर ए ब्लड ग्रुप का हो, ठीक है, और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप बी हो, क्या ये अपन ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, क्या ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, क्या ये डोनर इस रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है, कैसे चेक करोगे, डोनर का चेक करो एंटीजन। तो ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन है ए आरबीसी की सरफेस पर, रेसिपिएंट की चेक करो एंटीबॉडी कि भाई प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी है, बी के एंटी ए एंटीबॉडी होती है, एंटी ए एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा में, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्रुप बी होगा रेसिपिएंट का तो प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। अब आप देखो, खुद ही देख लो भैया, काम खराब हो जाएगा, ये एंटीजन ए एंटी ए एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ए ए का रिएक्शन हो जाएगा, तो इस तरह का ट्रांसफ्यूजन अपन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूछा जाएगा कि ट्रांसफ्यूजन कहां पॉसिबल है कहां नहीं है, रूल लगाओगे कि डोनर का एंटीजन चेक करना है और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी चेक करनी है, ओके। आइए इस टेबल को भर देते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ऑन आरबीसी ए रहेगा और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंटी बी रहेगी। अच्छा, डोनर कौन कौन हो सकता है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको कौन कौन दे सकता है ब्लड, आपको ए ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है और आपको ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है, याद रखिए। तो डोनर कौन कौन हो सकते हैं, ए एंड ओ, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपको किससे ब्लड मिल सकता है, कौन कौन लोग आपको डोनेट कर सकते हैं, वो व्यक्ति डोनेट कर सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए हो या ओ हो, राइट। बी ब्लड ग्रुप देख लेते हैं, एंटीजन ऑन आरबीसी बी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा एंटी ए, ठीक है, डोनर कौन कौन हो सकते हैं, बी एंड ओ, यानी बी एंड ओ ब्लड ग्रुप वाले आपको ब्लड दे सकते हैं अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो, ओके, समझ में आया। अब ए बी, एंटीजन ऑन आरबीसी ए बी है, बी बी है, ठीक है, सरफेस एंटीजन दोनों होते हैं ए बी के केस में, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा निल, यानी होती नहीं है, ठीक है। डोनर्स ब्लड ग्रुप कौन कौन डोनेट कर सकता है, इसको कौन कौन डोनेट कर सकता है, ए कर सकता है, बी कर सकता है, ओ कर सकता है, ए बी भी कर सकता है, याद रखिए। तो अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है तो आपको ए वाला भी डोनेट कर सकता है, आपको बी वाला भी ब्लड दे सकता है, ओ वाला भी आपको ब्लड दे सकता है और ए बी वाला भी ब्लड दे सकता है, मतलब अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप के हैं तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। इसलिए ए बी को यूनिवर्सल क्या कहा जाता है, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, ठीक है, ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ओ का देख लेते हैं, ओ के सरफेस पर बच्चों कोई एंटीजन नहीं होता, निल, ठीक है। ओ के एंटीबॉडीज कौन सी होती है, एंटी ए भी होती है और एंटी बी भी होती है, ठीक है, तो ओ के प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ओ को कौन ब्लड दे सकता है, ओ को ओ ही ब्लड दे सकता है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ है तो मेरे को कौन ब्लड दे सकता है, मेरे को केवल ओ वाला ही ब्लड दे सकता है, पर मैं सबको ब्लड दे सकता हूं, मैं हूं यूनिवर्सल डोनर, तो ओ जो होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर। तो बच्चों ये रहा ए बी ओ ब्लड ग्रुप का रिवीजन, ठीक है, बाकी तो डिटेल में अपन ने कॉपी में क्लासों में बहुत अच्छे से पढ़ी रखा है। आइए अब दूसरे ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे आर एच ब्लड ग्रुपिंग कहा जाता है। आई होप मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, ठीक है, तो दूसरे ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कहा जाता है। ये
डिपेंड करता है बेटा कि आरएच एंटीजन आरबीसी पर है या नहीं। जैसे ए और बी एंटीजन आरबीसी के ऊपर पाए जाते हैं और एबीओ ब्लड ग्रुप की संरचना हुई, उसी तरीके से एक और एंटीजन आरबीसी के ऊपर ढूंढा गया था, ठीक है, इसे कहते हैं आरएच एंटीजन। अगर आरएच एंटीजन आरबीसी पर है, याद रखिए, अगर आरएच एंटीजन आरबीसी पर है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव बुलाते हैं, याद रखिए, ठीक है। और अगर आरएच एंटीजन आरबीसी पे नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को आरएच नेगेटिव बुलाते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड आरएच पॉजिटिव लोगों की संख्या ज्यादा है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो करीब करीब 80% लोग जो वर्ल्ड के हैं वो आरएच पॉजिटिव हैं, यानी उनके आरबीसी पर आरएच एंटीजन पाया जाता है। अब ये आरएच एंटीजन का नाम आरएच क्यों पड़ गया? क्योंकि आरएच एंटीजन की सबसे पहली बार खोज रीसस मंकी के अंदर हुई थी बेटा, तो रीसस मंकी से, ठीक है, रीसस मंकी से आ गया आरएच, ठीक है, रीसस मंकी से आ गया आरएच। ओके, समझ में आया, क्लियर है। अब एक और बात, ठीक है, तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में ब्लड ग्रुपिंग को कैसे मेंशन करोगे? याद रखिए, मान लो आपके आरबीसी पर ए एंटीजन है, ठीक है, ग्रीन कलर से मैंने बना दिया एंटीजन ए, ठीक है, और साथ में आपके आरबीसी पर फॉर एग्जांपल आरएच एंटीजन भी है, ठीक है, आरएच एंटीजन भी है, ओके, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को अपन बोलते हैं ए पॉजिटिव। ओके, ऐसे ब्लड ग्रुप को अपन बोलते हैं ए पॉजिटिव। वहीं पर ही आपके आरबीसी पर अगर ए एंटीजन है, याद रखिए ये एंटीजन ए है, ओके, और आरएच एंटीजन नहीं है, देखिए मैंने आरएच एंटीजन नहीं बनाया, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को ए नेगेटिव कहते हैं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड आरएच एंटीजन के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, ओके, एक इंपॉर्टेंट केस अपन पढ़ते हैं बच्चों, जिसे अपन कहते हैं आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस, ठीक है, ओके। इससे पहले मैं आपको आरएच एंटीजन के बारे में, ठीक है ना, कि भाई आरएच एंटीजन को आप डोनेट कैसे करेंगे, आरएच एंटीजन को, आरएच एंटीजन में डोनेशन कैसे होता है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है। एक खाली पेज ले लेते हैं, ओके, ये वाला, आइए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति, ठीक है ना, जिसके ब्लड में आरएच एंटीजन है उसे आरएच पॉजिटिव कहा जाता है। आरएच पॉजिटिव डोनर, याद रखिए, ठीक है ना, ये कभी भी आरएच नेगेटिव रेसिपिएंट को ब्लड नहीं दे सकता, याद रखिए, ये ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये ट्रांसफ्यूजन नॉट पॉसिबल, याद रख लेना दिमाग में, ठीक है। तो आरएच पॉजिटिव डोनर है जिसमें आरएच एंटीजन है, वो आरएच नेगेटिव रेसिपिएंट को कभी ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आरएच पॉजिटिव डोनर आरएच नेगेटिव रेसिपिएंट को ब्लड देगा, आरएच एंटीजन इसकी बॉडी में चला जाएगा, रेसिपिएंट की बॉडी में इम्यून रिएक्शन चालू हो जाएगा, एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी बच्चों, और जितनी भी आरबीसी आई हैं, ठीक है, वो सारी क्लंप कर जाती हैं। तो इसलिए आरएच पॉजिटिव डोनर कभी भी आरएच नेगेटिव रेसिपिएंट को ब्लड नहीं दे सकता, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर आरएच पॉजिटिव डोनर आरएच नेगेटिव व्यक्ति को ब्लड देगा तो इसकी बॉडी ने कभी आरएच एंटीजन देखा नहीं है। आरएच एंटीजन जैसे ही यहां से यहां पहुंचेगा इसकी बॉडी के अंदर, ये आरएच एंटीजन इसकी बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, जिसके चलते एंटीबॉडीज बन जाएगी जो कि आईवी आरबीसी को क्लंप कर देगी, ठीक है, जो आरबीसी यहां से यहां आई है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आरएच पॉजिटिव डोनर जो होता है आरएच पॉजिटिव रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं पर ही आरएच नेगेटिव व्यक्ति जो है वो आरएच पॉजिटिव व्यक्ति को, ठीक है, ब्लड दे सकता है, यस, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। तो आरएच नेगेटिव डोनर आरएच पॉजिटिव रेसिपिएंट को ब्लड दे सकता है, ठीक है ना, और वहीं पर ही आरएच नेगेटिव जो है आरएच नेगेटिव को भी ब्लड दे सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी का याद रखिएगा, ठीक है, ओके, राइट, ठीक है। मैं इसमें डोनर और रेसिपिएंट हटा रहा हूं, ठीक है, ताकि सारा यूनिफॉर्म लगे, ओके। चलो अब अपन आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, और आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी का केस देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर
ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये डिटेल में तो हमने क्लास में ले रखा है, सभी क्लासों में डिटेल में डिस्कस होता है। अगर मदर आरएच नेगेटिव हो, ठीक है, और फीटस आरएच पॉजिटिव हो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। सुनिएगा, ठीक है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं अपन ने, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो, फर्स्ट बेबी जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है, एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू सेपरेशन बाय प्लेसेंटा। ठीक है, तो फर्स्ट बेबी जो होता है वो एकदम नॉर्मल होता है, याद रखिए। ठीक है, क्योंकि मदर और फीटस का ब्लड कभी मिक्स होता ही नहीं है, प्लेसेंटा बीच में आ जाता है एज अ बैरियर। ठीक है, तो फर्स्ट बेबी में या फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ठीक है, याद रखिए, मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है, तभी ये केस होगा। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, डिलीवरी के टाइम जब डिलीवरी हो रही होती है तो देर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड। डिलीवरी के समय जब बच्चा बाहर आ रहा होता है, पार्ट्यूरेशन होने वाला होता है या पार्ट्यूरेशन हो रहा होता है ऑब्वियसली, ठीक है, जब बच्चा बाहर आ रहा होता है, बच्चे के बाहर आने के प्रोसेस को पार्ट्यूरेशन कहते हैं, चाइल्ड बर्थ कहते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, पार्ट्यूरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, जिसे अपन डिलीवरी भी कह सकते हैं, उस समय क्या होता है, फीटस नहीं कहूंगा, चाइल्ड का जो ब्लड है जो कि आरएच पॉजिटिव है, वो मदर के ब्लड के साथ मिक्स कर जाता है और चाइल्ड में जो आरएच एंटीजन्स हैं वो मदर के ब्लड में चले जाते हैं और इस तरह से मदर जो है एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है, याद रखिए। ठीक है, तो आरएच नेगेटिव मदर मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, पार्ट्यूरेशन के समय बच्चों जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, जब चाइल्ड बन चुका है, 9 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, वो बाहर आ रहा होता है, तो इस दौरान चाइल्ड का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और चाइल्ड का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स होते हुए मदर की बॉडी में चला जाता है। चाइल्ड के आरबीसी पर आरएच एंटीजन है क्योंकि चाइल्ड इज आरएच पॉजिटिव। ओके, ये आरएच एंटीजन जैसे ही मदर की बॉडी में प्रवेश करते हैं तो मदर की बॉडी जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देती है और मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, याद रखिए। ठीक है, पहला बर्थ तो बिल्कुल सेफली हो जाता है, पहला चाइल्ड भी सेफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मदर की बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है, याद रखिएगा, ये दूसरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, तो एंटीबॉडीज, अब देखो, एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, जो सेकेंड प्रेगनेंसी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि पहले चाइल्ड बर्थ के दौरान जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बनी थी वो दूसरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ये एंटीबॉडीज जो हैं प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती हैं और फीटस की साइड पहुंच जाती हैं। ठीक है, फीटस की आरबीसी पर आरएच एंटीजन है, ये एंटीबॉडीज उस आरएच एंटीजन पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से जो फीटस है, फीटस सफर्स फ्रॉम एनीमिया एंड जॉन्डिस। ठीक है, फीटस सफर्स फ्रॉम एनीमिया एंड जॉन्डिस। ठीक है, और इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, एक बार वापस से सुन लो क्योंकि ये केस एग्जाम में आता है। देखो, मदर जो है, याद रखिए, आरएच नेगेटिव है, फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है, पहली प्रेगनेंसी सेफ होती है क्योंकि ब्लड की कभी मिक्सिंग नहीं होती, मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के साथ कभी मिक्स नहीं होता, 9 महीने आराम से निकल जाते हैं। जब चाइल्ड बर्थ होने वाला होता है, पार्ट्यूरेशन होने वाला होता है, तो उस दौरान क्या होता है, कभी कभी ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और फीटस का ब्लड, जिसको अब अपन चाइल्ड बोलेंगे, वो मदर के ब्लड के साथ मिक्स कर जाता है। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है? इसकी वजह से क्या होता है, फीटस के आरबीसी के ऊपर आरएच एंटीजन है, तभी तो आरएच पॉजिटिव है, वो आरएच एंटीजन मदर की बॉडी में चला जाता है और आरएच एंटीजन जब मदर की बॉडी में जाएगा तो एक इम्यून रिएक्शन चालू हो जाएगा और मदर की बॉडीज में एंटीबॉडीज बन जाएगी उस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है, पहला
चाइल्ड बाहर आ जाता है, सेफ होता है, पहले चाइल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हो जाए, सेकंड प्रेगनेंसी हो जाए, उसमें भी अगर चाइल्ड आरएच पॉजिटिव है, याद रखिए मदर तो आरएच नेगेटिव ही है, ऐसे केस में मदर के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी है ये प्लेसेंटा क्रॉस करके सेकंड फीटस के आरबीसी पर अटैक कर देती है, क्योंकि सेकंड फीटस इज आरएच पॉजिटिव, उसके आरबीसी पर आरएच एंटीजन है, ओके, और इस तरह सेकंड फीटस के आरबीसी को क्लंपिंग कर देती हैं वो एंटीबॉडीज, सेकेंड फीटस के आरबीसी को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देती हैं वो एंटीबॉडीज जो मदर के साइड से फीटस के साइड पे आती है प्लेसेंटा क्रॉस करके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, ओके। इसकी वजह से क्योंकि फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, क्लंप हो गई हैं, तो फीटस जो है सफर्स फ्रॉम एनीमिया एंड जॉन्डिस एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, इस बीमारी को कहा जाता है, जिसके कारण कभी कभी फीटस की डेथ भी हो सकती है, तो सेकंड फीटस को ये प्रॉब्लम आती है, ओके, क्लियर है। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है एडमिनिस्टर एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर, ठीक है ना, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी एंड सेव द सेकेंड बेबी, ओके। तो फर्स्ट डिलीवरी के जस्ट बाद आप अगर मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडीज दे दें तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी सेफ हो जाएगी, सेकेंड बेबी को नुकसान नहीं होगा। तो बच्चों ये है ब्लड ग्रुप का सिस्टम, ठीक है। आइए बच्चों अब हम जो है ब्लड क्लॉटिंग सीख लेते हैं कि भाई ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग का क्या फायदा होता है, ठीक है। बेसिकली बच्चों देखो, अगर आपको चोट लग जाए और कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ देर में वहां पर क्लॉट बन जाता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ब्लीडिंग को रोकता है, जिससे लॉस ऑफ ब्लड जो है कम हो, ओके। तो ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन जो है ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है ना, दैट स्टॉप्स एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस, ठीक है, ओके। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, आइए मैं आपको समझाता हूं, पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहली बात है बच्चों, जैसे आपने चाकू से यहां पर जो है चाकू से आप काम कर रहे थे, आपका आपकी उंगली में कट लग गया, सोचो, ठीक है, यहां नहीं, यहां पर सही है, तो चाकू से आप काम कर रहे थे, उंगली पर कट लग गया, सोचो, ठीक है, अब खून निकल रहा है उंगली से, तो क्या होता है जब ऐसे कट लगता है तो टिश्यू भी इंजर्ड होते हैं, ठीक है, तो ऐसे जहां पर कट लगा है इंजर्ड टिश्यू जो वहां पर है, ठीक है, और जहां पर कट लगा है वहां पर से ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वहां पर ब्लड भी तो है, ठीक है, तो इंजर्ड टिश्यू जहां पर कट लगा है, जहां पर टिश्यू इंजरी हुई है, और साथ में वहीं पर ही जो ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों मिलकर, ठीक है, इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं, इस कंपाउंड को थ्रोम्बोप्लास्टिन कहा जाता है, ठीक है, तो इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स सिक्रीट अ कंपाउंड कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपाउंड है आगे जाकर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है, ठीक है, तो इंजर्ड टिश्यू एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं उस एरिया के, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, ठीक है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्दर, ठीक है, फॉर्म्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसको थ्रोम्बोकाइनेज कहा जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज बन गया, अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ठीक है, बच्चों ये प्रोथ्रोम्बिन को, ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और इस रिएक्शन में कैल्शियम भी चाहिए होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बच्चों, ठीक है, लास्ट स्टेप होता है जहां पर
फिब्रिनोजन जो होता है, ठीक है, फिब्रिनोजन जो होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। कौन करता है भैया, कौन करता है? ये जो थ्रोम्बिन बना है ये ही करता है इस रिएक्शन को, ठीक है। ये देखिए, ये थ्रोम्बिन ही करता है। इस रिएक्शन के लिए भी कैल्शियम चाहिए होते हैं, ठीक है। फिब्रिन जो होता है बच्चों, ठीक है, फिब्रिन जो होता है थ्रेड्स के फॉर्म में होता है, ऐसे करके फिब्रिन के थ्रेड्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो सोचो किसी व्यक्ति को, सोचो किसी व्यक्ति को यहां चोट लगी है, ठीक है, ये व्यक्ति का हाथ है गंदा सा, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, ठीक है, और व्यक्ति को यहाँ चोट लगी है। आप ये देखिए, यहाँ पर ये ब्लड वेसल डैमेज हो गई है जहां से ब्लीडिंग हो रही थी। तो होता क्या है बच्चों कि फिब्रिन के थ्रेड्स जो हैं यहाँ पर आकर ऐसे भरने लगते हैं, ठीक है, ओके। और फिब्रिन के थ्रेड्स के बीच में, ठीक है, फिब्रिन के थ्रेड्स के बीच में, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑब्वियसली ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स डेड होते हैं, ठीक है ना। तो फिब्रिन के थ्रेड्स के बीच में ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, डेड होते हैं ये, ठीक है, इसको ही क्लॉट कहा जाता है, ठीक है। तो फिब्रिन के थ्रेड्स के बीच में ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने बना दिए इस तरह, ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया है बच्चों, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही क्लॉट कहते हैं। और ये क्लॉट जो है देखिए ऐसे डिपॉजिट हो गया है कि ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इस तरह जो आपका प्रेशियस ब्लड है वो लॉस होने से बच जाता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो व्हाट इज क्लॉट, क्लॉट क्या होता है? क्लॉट इज फिब्रिन थ्रेड्स, ठीक है, फिब्रिन थ्रेड्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ऑब्वियसली ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है जनरली डेड होते हैं, ओके, समझ में आया। तो ये क्लॉट होता है। इस तरह बच्चों ब्लड की क्लॉटिंग होती है, और ब्लड की क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स अपनी भूमिका निभाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो तीन बातें देख लेते हैं, कौन से आयन्स ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट हैं? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आयन्स लिखा था मैंने, ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीरम क्या होता है? सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसे सीरम कहा जाता है, याद रखिए। तो सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा ले लिया, उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए, जैसे कि फिब्रिनोजन हटा दिया, प्रोथ्रोम्बिन हटा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। तो सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में काम आता है, प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग में काम आता है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दोगे प्लाज्मा में से, तो पीछे जो लिक्विड रह जाएगा उसे सीरम कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये है आज का माइंड मैप का लेक्चर, जिसमें हमने ब्लड रिवाइज किया है। आई होप इस एक घंटे के लेक्चर में आपने भी ब्लड रिवाइज कर लिया होगा। कमेंट में बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं अगले माइंड मैप के लेक्चर में, ठीक है, जहां पर बच्चों हम लोग जो हैं, जहां पर हम लोग जो हैं बच्चों डिस्कस क्या करेंगे, हार्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल, हम डिस्कस करेंगे ECG, कार्डियक डिसऑर्डर्स एंड डबल सर्कुलेशन। मिलते हैं अगले माइंड मैप के लेक्चर में। बाय बच्चों।